लड़की या औरत को सेक्स में संतुष्ट करने से पहले आपको उन्हें गर्म करना पड़ेगा। माना जाता है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को यौन उत्तेजना कम होती है या बहुत देर से शुरू होती है। आमतौर पर देखा जाता है कि लड़कियों के साथ सेक्स करने की पहल लड़के ही करते हैं, जिससे यह साबित होता है कि लड़कियों के शरीर में लड़का का हाथ लगने के बाद ही वो गर्म होती है। वास्तव में सेक्स करने से पहले लड़की और लड़के दोनों का गर्म होना जरूरी है। अगर कोई लड़की गर्म नहीं हो रही है तो वो पहले आपको सेक्स के लिए मना करेगी, और अगर वो तैयार भी हो जाती है तो संभोग के दौरान उसे बहुत दर्द होगा और उसको और आपको सेक्स का आनंद प्राप्त नहीं होगा। यही कारण है कि शारीरिक संबंध बनाने से पहले लड़की को गर्म होना बेहद जरूरी है। लड़की या औरत को सेक्स के लिए गर्म करना वास्तव में फोरप्ले का एक अहम हिस्सा होता है। अगर आप किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले हैं और आपको ये नहीं मालूम है कि लड़की को गर्म कैसे करें, तो इस वीडियो में हम आपको लड़की को गर्म करने के घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं। जाने लड़की या औरत को सेक्स के लिए गर्म कैसे करें। सिर की मालिश करें। आमतौर पर सिर में मालिश करवाना हम सभी को पसंद होता है, लेकिन जब लड़की को गर्म करने की बात आती है तो सिर में मसाज करना काफी फायदेमंद साबित होता है। इसका कारण यह है कि सिर की त्वचा में हजारों तंत्रिकाएं होती है, जिसके कारण यह एक संवेदनशील हिस्सा होता है। जब आप लड़की के सिर और बालों में अपनी उंगली फेरते हैं तो इसके रक्त का प्रवाह बढ़ता है और ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जिसके कारण यौन उत्तेजना बढ़ती है। आप अपनी उंगली को लड़की के बालों में बहुत कामुक अंदाज में घुमाएं। ऐसा करने से लड़की को अपने पार्टनर से अधिक लगाव और प्रेम महसूस होता है, जिसके कारण उसकी उत्तेजना तो बढ़ती है, वो आपको अधिक करीब भी आती है। कानों को चाटने से गर्म होती है लड़कियां। कोई पुरुष जब किसी लड़की के कान को चूसता, चाटता और चूमता है तो लड़कियों के शरीर में एक अलग तरह की उत्तेजना उठती है और ऐसा करवाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वास्तव में कान में 120 से अधिक एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसलिए लड़की को कानों को सहलाना सुपर उत्तेजक हो सकता है। यह लड़के को गर्म करने का आसान घरेलू उपाय माना जाता है। शोध में पाया गया है कि लड़कियों के कान और आसपास के हिस्सों को छूने से उनके पूरे शरीर में सेक्सुअल एनर्जी उत्पन्न होती है। इसके अलावा यह कहने की जरूरत नहीं है कि लड़कियों को कानों में सेक्सी और गंदी बातें बोलने से उन्हें कितनी उत्तेजना होती है, इसलिए लड़की को गर्म करने के लिए यह तरीका अपनाया जा सकता है। कंधे को स्पर्श करने से गर्म होती है लड़की। लड़कियों के शरीर का एक अन्य हिस्सा जिसे सुपर सेंसिटिव माना जाता है वो है कंधा। वास्तव में कंधे और गर्दन के आसपास की त्वचा पतली होती है, जो उसे कामोत्तेजक क्षेत्र बनाती है। जब आप उससे कंधे को स्पर्श करते हैं तो लड़की को उस पर होने वाली सनसनाहट पसंद आती है, जिसके कारण वो चाहती है कि आप बार बार उसे छुएं। एक प्यार भरा स्पर्श या जीभ से गर्दन को कंधे को छूना लड़की को गर्म करने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा आपको कलर वन क्षेत्र एवं जबड़े के निचले हिस्से को छूना नहीं भूलना चाहिए। इस क्षेत्र को छूने से लड़की सबसे ज़्यादा गर्म होती है। क्लिटोरिस को सहलाएं। आमतौर पर हर पुरुष लड़कियों के शरीर के उस एक हिस्से को जरूर जानता है जहां उसे सबसे अधिक उत्तेजना होती है, और वह है योनि के ऊपर का हिस्सा क्लिटोरिस। लड़कियों के क्लिटोरिस को मुलायम हाथों से छूने या गोल गोल रगड़ने से उन्हें सबसे ज्यादा उत्तेजना होती है। इसके अलावा मूत्रमार्ग के द्वार के यूस्पट कहा जाता है, जो बहुत संवेदनशील होता है और यह इरेक्टाइल उत्तकों से घिरा होता है, और जब इसे छूने पर लड़की यौन रूप से गर्म होती है तो यह खून से भर जाता है। आप अपनी उंगली जीभ से इस पट को गर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही उंगली में कोई चिकना पदार्थ या क्रीम लगाकर भी उंगली कर सकते हैं। यह किसी भी लड़की को गर्म करने का एक बेहतर घरेलू तरीका है। नितंबों से खेलें। जब आप किसी औरत के शरीर के पिछले हिस्से या पीछे से खेलते हैं तो यह औरत को सबसे ज़्यादा पसंद होता है। जब मर्द अपने हाथों से लड़की के कूल्हे को निचोड़ता है या फिर उसे स्पर्श करता है तो उन्हें बहुत आनंद आता है। चौड़े नितंब का प्राचीन काल से ही
अच्छी प्रजनन क्षमता का संकेत माना जाता है। लड़की को गर्म करने के लिए उसके नितंबों को सहलाएं और भारी दबाव बनाएं। इसके अलावा नितंब को चूमें और प्यार करें। जब लड़के के शरीर में संवेदनाएं जगेंगी तो उसे स्वतः उत्तेजना होगी। नितंब के अलावा आप लड़की के स्तन को भी चूसकर उसे गर्म कर सकते हैं। पीठ को जीभ से चटने से गर्म होती है लड़की। लड़कियों की पीठ सबसे अधिक सेक्सी मानी जाती है और आमतौर पर हर पुरुष पीठ से ही लड़की को गर्म करना शुरू करता है। अपने होठों को पीठ के निचले हिस्से से घुमाते हुए ऊपर तक ले जाएं। वास्तव में पीठ में हजारों तंत्रिकाएं होती है जो लड़कियों के लिए एक कामोत्तेजक क्षेत्र मानी जाती है। पीठ की अच्छी तरह से मसाज करने से लड़कियों का मूड बनता है। इसके अलावा स्तन को पीछे से हाथ में पकड़कर पीठ को चटने और किस करने से भी लड़कियां गर्म होती है। लड़की की रीढ़ से ऊपर और नीचे तक अपनी जीभ दौड़ाएं, फिर आपको परिणाम खुद दिखेगा। सेक्सी बातें करने से गर्म होती है लड़की। वास्तव में लड़की का दिमाग और मन सबसे बड़ा सेक्सी ऑर्गन होता है। जब आप किसी लड़की से गंदी और सेक्स से जुड़ी बातें करते हैं तो इसे मन और मस्तिष्क में उत्तेजना पैदा होती है और यह एक रास्ता की स्थिति को रोकता है। यही कारण है कि दिमाग को एक कामोत्तेजक क्षेत्र माना जाता है। यौन इच्छाएं भी यहीं से शुरू होती है और उसके बाद मस्तिष्क के शरीर के सभी हिस्सों पर नियंत्रण रखता है। लड़की को गर्म करने के लिए उसको कानों में सेक्सी स्वर में गंदी बातें बोले, मूड एकदम रोमांटिक रखे और उसे छेड़ने की कोशिश करे। इससे लड़की का दिमाग गर्म होगा और फिर योनि में भी उत्तेजना होगी। पैर की उंगलियों को छूने से गर्म होती है लड़की। आमतौर पर बहुत ही कम लोग हैं जो लड़कियों को उनके पैरों के जरिए गर्म करते हैं। वास्तव में लड़कियों का पैर एक ऐसा अंग है जिसमें 7000 से अधिक तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इसलिए आपको फोरप्ले और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पैरों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। जब आप बिस्तर पर हो तो लड़की को पहले से ही पैर साफ करने के लिए बोल दीजिए। पहले लड़की के पैरों को पिंच करें और फिर धीरे धीरे पैर की उंगलियों को चाटें और चूमें। इससे लड़की के अंदर से यौन प्रत्याशा उठती है। उंगलियों को चूसने से ओरल सेक्स के बराबर मजा आता है क्योंकि इसमें भी कई तंत्रिकाएं होती हैं जो गर्म हो जाती है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप लोग मिस ना करें। फिर से मिलेंगे एक नया एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।